के विचार और उनके प्रति श्रद्धा निवेदित करने के लिए जो ये कविता का पाठ करते हैं, आप जरा गौर से सुनिए। इसी तरह से गांधी जी ने क्या कहा, भाई गांधी जी भी तो यहां आए 1917 में, चंपारण में नीलों के द्वारा किसानों पर अत्याचार होता था, लोगों ने बड़ा उनसे आग्रह किया इस पर कुछ बोलिए। उन्होंने कहा था कि मैं खुद नहीं देखूंगा तब तक कैसे बोल सकता हूं। तो उनसे बड़ा आग्रह किया, राजकुमार शुक्ल जी उनके पीछे पड़े, अंत में गांधी जी आए 10 अप्रैल 1917 को और वहां गए और किसानों के साथ जो अत्याचार हो रहा था उनकी बात सुनने लगे, सत्याग्रह का रूप धारण किया। और पहली बार गांधी जी जब साउथ अफ्रीका से लौट कर आए थे तो पहली बार किसी जगह पर गए और वो चंपारण सत्याग्रह पहला उनका कदम था। और क्या उसमें गति मिली, आजादी के प्रति लोगों में कितनी जागृति आई कि 1917 में गांधी जी आए चंपारण और 30 साल के अंदर देश आजाद हुआ। तो ये भूमि तो महान है, यहां पर अगर गांधी जी नहीं आते तो पता नहीं 30 साल में देश आजाद होता या नहीं होता। और ज्ञान के क्षेत्र में चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना यही की, आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी की बात, जो प्रकृति के बारे में जानकारी, जो पृथ्वी के बारे में इसका क्या व्यास है, सब कुछ जो उस समय उन्होंने इसके ऊपर अपनी राय रखी, इस पर अनुसंधान किया और शून्य का आविष्कार किया। दुनिया को शून्य का जब का ज्ञान मिला, शून्य मिला, तभी तो आज इतना आगे भी ज्ञान बढ़ा। तो आर्यभट्ट की भूमि यही बिहार। तो हम सब लोगों को इन सब चीजों से प्रेरणा लेनी चाहिए। और जो भगवान महावीर का उपदेश है और ये जो कविता वाचन होता है, और गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा था कि भाई ये जो पृथ्वी है इसमें रहने वाले सब लोगों की जरूरत को पूरा करने में सक्षम है, जरूरत में कोई दिक्कत नहीं आएगी, जरूरत पूरा होगी, लेकिन लालच की पूर्ति नहीं हो सकती इस पृथ्वी पर। अब आप सोच लीजिए, नीड और ग्रीड, ये पृथ्वी नीड को पूरा करेगा, जरूरत को पूरा करेगा, लेकिन लालच को पूरा नहीं कर सकता। और किस तरह से अपने लालच के क्रम में लोगों ने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ किया और ये गांधी जी ने उपदेश दिया। किस प्रांत से लोग नहीं आते हैं उस अवसर पर, तो मैं भी जब मैं युवा नहीं था, बच्चा ही था, तब भी मैं यहां आता और यहां के बहुत दृश्य को हमने देखा। आज तक पता नहीं, बचपन के काल की कुछ बातें भूलती नहीं, मां मुझको लेकर आई थी, हम आज तक नहीं भूलते। इतना बड़ा लड्डू का प्रसाद था यहां, इतना बड़ा लड्डू, तो अभी तक बचपन का वो दृश्य भूलते नहीं। उसके बाद हमको उतना बड़ा लड्डू देखने का मौका नहीं मिला। तो यहां तो पहले से ही आते रहे और जब भी सांसद रहे या फिर बिहार में काम करने का मौका मिला है, तब अनेकों बार यहां के जो कार्यक्रम का आयोजन जैन धर्मावलंबियों के द्वारा आयोजित किया जाता है, उस कार्यक्रम में हम शरीक होते रहे हैं। लेकिन 2016 में जब मैं उस कार्यक्रम में था तो यही लोगों ने मांग की कि भाई इसका राजकीय महोत्सव क्यों नहीं होता। तो हम तो देखकर उनको थोड़ा दंग रह गए कि भाई यही बात पहले से क्यों नहीं कहा था, हम लोग तो पहले से ही राजकीय महोत्सव करते थे। हम लोग तो सोच रहे थे कि हो सकता है जैन धर्म वाले लोग सोचते होंगे कि राजकीय महोत्सव नहीं, हम ही अपना उत्सव मनाएंगे, आप सब लोग शामिल होइए, मेरी तो ये अवधारणा थी। लेकिन जब मांग किया तो बड़ी खुशी हुई। और पिछले वर्ष से 2017 से अब पावापुरी महोत्सव का आयोजन हो रहा है। अब धीरे धीरे ये महोत्सव का स्वरूप और व्यापक होता जाएगा और इसमें आप सब लोगों के सहयोग की आवश्यकता। हम अपने समर्पण का भाव व्यक्त करते हैं, जैन समाज के लोग तो सब तो यही बात बोलते हैं, यही तो हम लोगों को कहते रहते हैं।
और सबसे बड़ी बात है भगवान महावीर का, तुम जियो सभी को जीने दो, ये सबसे बड़ी बात, जियो और जीने दो, खुद भी जियो लेकिन दूसरों को भी जीने दो। आजकल क्या प्रवृत्ति है, खुद जीने के चक्कर में, क्षणभंगुर सुख के चक्कर में दूसरों को लोग कितना कष्ट देते हैं, कितना कष्ट देते हैं। अगर ताकत हाथ में आ गई तो उसका दुरुपयोग करते हैं, और भगवान महावीर ने कहा तुम जियो और जीने दो, खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने दो। और सिर्फ इंसान को नहीं, मनुष्य को नहीं, सारे जीव जंतुओं को जीने दो, क्योंकि ये जो प्रकृति है और जो पृथ्वी पर आप हैं, आप ये मत कभी समझिए कि पृथ्वी सिर्फ आपके लिए, अन्य जीव जंतुओं के लिए, पेड़ पौधों के लिए, नदी के लिए, पर्वत के लिए, सबके लिए ये धरती है। कुछ लोगों को भ्रम होता, बहुत सारे लोग जो जरा किसी कारण से कुछ ताकतवर बनते, उनको लगता है कि तू जो कुछ भी होना सिर्फ आदमी के लिए होना, सिर्फ आदमी के लिए कुछ नहीं होना, सबके लिए होना। इस धरती पर जितने लोग हैं, चाहे व्यक्ति मनुष्य हो या अन्य जीव जंतु हो या और भी कोई प्राकृतिक चीजें हो, पेड़ पौधे हो, पर्वत हो, नदियां हो, सबकी रक्षा होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुद हम जिए। आजकल क्या होता है, अपने जीने के चक्कर में, अपने आनंद के चक्कर में हम प्रकृति के साथ कितना छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो यह बात सोचने की चीज है, तुम जियो और जीने दो, ये कितनी बड़ी बात है, इसको लोगों को समझना चाहिए, बड़ी बात। और उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई हम जो भगवान महावीर के श्रद्धा में जो ये पाठ करते हैं आप लोग, इसका जो अर्थ निकलता है वही तो गांधी जी ने कहा था कि 7 सामाजिक पाप है, उससे बचो। पहला पाप उन्होंने कहा सिद्धांत के बिना राजनीति, मेरे राजनीति करो तो सिद्धांत के साथ करना चाहिए, प्रिंसिपल के साथ राजनीति करना चाहिए। आजकल राजनीति से कोई सिद्धांत का मतलब नहीं है, तरह तरह के लोग आ जाते हैं, और राजनीति की क्या अहमियत है, क्या महत्व है, चाहे राजतंत्र रहा हो या लोकतंत्र है, राजनीति के माध्यम से ही नीतियां निर्धारित होती हैं, विकास का काम होता है, हर तरह की बात होती है वो राजनीति के माध्यम से होता है। आज अगर पावापुरी में मेडिकल कॉलेज बना है भगवान महावीर के नाम पर, भूमि है बिहार की भूमि, बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई, और वही गया भी मोक्ष भूमि है, निर्वाण भूमि है, पावापुरी निर्वाण भूमि है, भगवान महावीर का निर्वाण यही हुआ। हम लोग तो कहते हैं कि बिहार तो अद्भुत जगह है, भगवान महावीर की तो जन्म भूमि है, ज्ञान भूमि है और निर्वाण भूमि है। भगवान बुद्ध का, बुद्ध की तो सिर्फ ज्ञान भूमि। संप्रदाय के लोग किस तरह से भिड़ने की कोशिश करते हैं, ये ठीक है, किसी धर्म ने ये उपदेश नहीं दिया, सबने कहा है, सबकी जो प्रतिबद्धता है अपने धर्म के प्रति हो सकती है, लेकिन दूसरे धर्मावलंबियों को भी इज्जत करो, उनकी प्रतिष्ठा करो, और ये सबसे बड़ी चीज।